नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूँ आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। इंटरनेट मीडिया पर छोटे कारीगरों के उत्पादों की ब्रांडिंग करेंगे पीएम मोदी, नागरिकों से किया आग्रह। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अगस्त में की थी महादेव ऐप पर बैन की मांग, कांग्रेस ने केंद्र पर लगाया बड़ा आरोप। बंगाल की खाड़ी में लगे भूकंप के तेज झटके, रिएक्टर स्केल पर 4.2 रही तीव्रता, भूकंप में जान माल के नुकसान की खबर नहीं। महादेव बैटिंग ऐप बन जाएगा हर हर महादेव ऐप, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर तंज। तेलंगाना में कांग्रेस के 16 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट की जारी, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के खिलाफ रेवंत रेड्डी को उतारा। आगरा में पुलिस और लुटेरों के बीच हुई मुठभेड़, मुठभेड़ में 3 लुटेरे हुए घायल, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी लगभग पूरी, आकर्षण का केंद्र होगा लेजर शो, मठ मंदिर पर आकर्षण लाइटें लगाई गई। बुलंदशहर में बिल्डर से परेशान किसान ने खाया जहर, किसान ने बिल्डर्स पर लगाए कई आरोप। गोंडा में प्राइवेट अस्पताल की बड़ी लापरवाही, मरीजों को दी गलत दवाई, डॉक्टरों ने उसे टीवी की दवाई दे दी। कुशीनगर में 3 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को लगी गोली। मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस के बाद पाकिस्तान में एक और आतंकी हमला, सेना के अधिकारी समेत 4 की मौत। जंग के बीच गुर्बत में जीने को मजबूर गाजा के लोग, करीब 2 लाख लोगों को गंवानी पड़ी नौकरी। इजरायली हमले में फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत का आंकड़ा 10,000 के पार, इनमें 4100 से ज्यादा बच्चे। चौदह के बाद से मुश्किल दौर में पाकिस्तानी मिलिट्री असीम मुनीर, राजनीतिक उथल पुथल के बीच टीटीपी सेना को बना रही निशाना। इसराइल की बढ़ सकती है मुसीबतें, आयरन डोम इंटरसेप्टर मिसाइल में आई खराबी, 2 हिस्सों में बटा गाजा। मधुशंका की शानदार गेंदबाजी के बावजूद हारा श्रीलंका, शाकिब अल हसन और नजमुल हुसैन संटो ने खेली बेहतरीन पारी। सोएब मलिक से अलगाव की खबरों के बीच सानिया मिर्जा ने किया पोस्ट, लिखा वह गिरती है और टूटती है। वर्ल्ड कप से इतर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हाई स्कोरिंग फाइनल, बड़ोदरा को हराकर पंजाब बना चैंपियन। मुंबई इंडियंस टीम में बड़े बदलाव होना तय, जोफ्रा आर्चर को दिखाया जाएगा बाहर का रास्ता। शाकिब अल हसन की हरकत पर भड़के गौतम गंभीर, बोले दिल्ली में जो कुछ हुआ वह निराश करने वाला है। अमिताभ बच्चन ने डीप फेक वीडियो के खिलाफ रश्मिका मंदाना के लिए लिया स्टैंड, पुष्पा एक्ट्रेस ने बिग बी को किया थैंक। सारा अली खान ने 2 हफ्तों में घटाया बेली फैट, फोटो शेयर कर दिखाया ट्रांसफॉर्मेशन, लिखा बहुत प्राउड हो रहा है। तनिषा मुखर्जी का झलक दिखला जा 11 के मंच पर छलका दर्द, बोली अजय काजोल जैसा मुकाम नहीं कर पाई हासिल। थाई पर लगी चोट को लेकर बोली मलाइका अरोड़ा, कहा कुछ घाव निशान छोड़ जाते हैं, मैं उसे छुपा नहीं सकती थी।
शाहरुख खान के जवान के गाने चलिया पर जमकर नाचे विराट कोहली, डायरेक्टर बोले OMG जवान ने बॉक्स ऑफिस पर मचाई धूम। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।